हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 4 देखें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट 4 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर, लेट आर बी आर रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या है? एन से यहाँ नेचुरल नंबर है। इज गिवेन बाई आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू कॉमा बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। पहला जो ऑप्शन है 2,4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2,4 इस रिलेशन में होगा। 3,8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर एंड 8,7 बिलोंग्स टू आर। इसमें से हमको करेक्ट आंसर को क्या करना, सेलेक्ट करना। सबसे पहले देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी है और कंडीशन देखो बी जो है ना वो ग्रेटर देन 6 है। मतलब जो सेकेंड जो एलिमेंट आपको दिख रहा है इस ऑर्डर पेयर में, जो सेकेंड एलिमेंट आपको दिखेगा वो क्या होगा सर, 6 से बड़ा होगा, ठीक ना। तो ये सेकेंड ऑर्डर इस एलिमेंट को देखो तो 4, तो ये 6 से तो बड़ा है नहीं सर। तो पहला तो होगा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन हो सकता है नहीं। तो देखो बी का वैल्यू क्या है सर, बी का वैल्यू आपका 8 है। तो बी का वैल्यू 8 मतलब सर पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा कि सर बी जो है वो 6 से ग्रेटर है, मतलब 6 से बड़ा। तो ये तो हो जाएगा ए, मतलब ए एलिमेंट हो सकता है। लेकिन सर ए जो मतलब बी के प्लेस में, ठीक है सर, लेकिन आप 3 को देखेंगे तो ए का वैल्यू सर क्या बी माइनस 2, तो बी माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 करें तो 6 आएगा, लेकिन सर यहाँ 3 है। तो ये भी आपका सर रिलेशन में नहीं होगा एलिमेंट। यदि आप सी नंबर ऑप्शन को आप देखते हैं तो सी नंबर सर, यदि आप बी देखो तो बी ग्रेटर देन 6 सही है। तो ये आपका सर कंडीशन को फुल फिगर और ए का जो वैल्यू होना चाहिए सर 8 माइनस 2 करें तो 6, तो 8 माइनस 2 करें तो 6, मतलब सर पहला एलिमेंट 6 है। मतलब सर ये ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है। बाकी यदि आप इसको यदि आप देखते हैं तो ये 7, तो यहाँ सर 7 तो आपका सर बी का जो एलिमेंट है, मतलब जो सेकेंड जो एलिमेंट है वो बी जो है वो क्या 7 से मतलब 6 से बड़ा है, ये तो सही है सर। लेकिन सर आप ए जो देखिएगा, ये पहला जो एलिमेंट है आप सर 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस 2 करें तो 5, बट 5 आएगा नहीं, बट यहाँ सर 8 है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर जो आपका मतलब कहने का मतलब सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मतलब पहला नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट है, क्योंकि सर कि ये जो आपका रिलेशन, ये जो एलिमेंट है वो रिलेशन में होगा। क्लियर है। सेकेंड नंबर आते हैं। सेकेंड नंबर सर, लेट आर बी आर रिलेशन इन द सेट, सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 गिवन बाय। एक रिलेशन आपको दिया हुआ, उसमें से आपका जो एलिमेंट्स है 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2। चूज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना। पहला ऑप्शन को यदि आप देखिएगा तो कह रहा है सर कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सेमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड जो ऑप्शन है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सेमेट्रिक। थर्ड नंबर, आर इज सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और थर्ड नंबर है सर आर, जो फोर्थ नंबर है जो ऑप्शन है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पहले भी मैंने आपको बता चुका कि सर कोई यदि रिलेशन वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सेमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यदि तीनों चीज़ है मतलब रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उस टाइप का रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि तीनों को आप चेक करें तो फिर ऑप्शन आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो पहला बात आप समझो सर, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को उसको चेक करने के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए नहीं, और ये सर आपका सर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब यदि कोई सेट ए में कोई एलिमेंट है तो उसका खुद का एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब सर कि यहाँ देखो, इस सेट को ए, इस सेट में आपका रिलेशन डिफाइन किया तो यहाँ 1, 2, 3, 4। तो यदि इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, इस रिलेशन में 1, 1 होना चाहिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। यदि 5, 5 नहीं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, है ना, 4 ए एलिमेंट, तो 4, 4 ए से यदि होता है सर तो उसको हम लोग ये रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो देखो इस रिलेशन में देखो तो ए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है ना। तो इसको सर, ये जो पहला जो आपका कंडीशन को फुल मतलब पाया, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, है ना। तो सर ये जो आपका जो रिलेशन दिया हुआ कि इसमें सर आपको इसमें आप देख पा रहे हैं 1, 1 है, 2, 2, 3, 3 और 4, 4, तो इस रिलेशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं सर, है ना। कुछ अच्छा, सेमेट्रिक का बात करते हैं। तो सेमेट्रिक के लिए आपका कंडीशन आपको पता है, सेमेट्रिक होने के लिए, सेमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बी उस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
मतलब ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू बी ए होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए इस रिलेशन में देखो 1, 2 है तो 2, 1 भी आपको दिखना चाहिए रिलेशन में, तो 1, 2 है तो 2, 1 तो कहीं दिख नहीं रहा सर। इसका मतलब सर कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, बट आप लिख सकते हैं बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वो सेमेट्रिक नहीं है, मतलब आर इज नॉट सेमेट्रिक, तो ये सेमेट्रिक नहीं है, मतलब ये नॉट सेमेट्रिक, ठीक ना। आर इज नॉट सेमेट्रिक मतलब सेमेट्रिक नहीं होगा सर, ठीक ना। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, हाँ ना, ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना, तो सेमेट्रिक है। अब हम लोग सर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव आप चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव रिलेशंस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए ए कॉमा सी एल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है सर तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो आप चेक कर लो, ऐसे 1, 2 है तो 2, ये आपका सर 1, 2 तो 2, 2 तो ये तो हो गई। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1, 3 तो 3, 3 ये आपका, ये भी आपका सर, इसका भी मतलब ये आप कह सकते हो 1, 3 तो 3, 1, 3 होगा इसमें। ये आपका सर 3, 3 और 3 आपका 3, 3 है और 3, 3, 2 तो 3, 2 होना चाहिए, 3, 2 तो ही है ना। तो ये रिलेशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो रिलेशंस क्या है आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा सर। इसमें सर रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं, रिलेशंस क्या है सर, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सर सिमेट्रिक नहीं। रिलेशंस क्या, रिलेशंस सर सिमेट्रिक है और आपका ट्रांजिटिव है, लेकिन सर सिमेट्रिक नहीं। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं सर रिलेशन, पहला आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में बोला सर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सही है। आर इज सिमेट्रिक तो आर तो सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक तो नहीं है सर, ये तो नहीं होगा। आर इज इक्विवेलेंस है नहीं, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी से जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका सर दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो इसको। और यदि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव, यदि तीनों होता ना सर तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते। तो ये इक्विवेलेंस मतलब थर्ड मतलब फोर्थ में जो ऑप्शन था वो हो जाता, तो इसमें तो सर ये तो ट्रांजिटिव है ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव तो है लेकिन आपका सिमेट्रिक नहीं था, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप कह रहा है लेट एफ कोई फंक्शन है वो डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, या मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बोल सकते हैं, डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। और हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, एफ इज 1, 1, 1, 2, एफ इज मेनी 1, 1, 2, एफ इज 1, 1 बट नॉट 1, 2, एफ इज नादर 1, 1 नोर 1, 2, ठीक ना। तो हम लोग मेन आपका सर 1, 1 चेक करना, आप चेक कर लोगे 1, 1, 1, 2 तो पता चलेगा 1, 1। 1, 1 के लिए क्या होना चाहिए सर, एफ एक्स 1 इक्वल टू यदि एफ एक्स 2 है तो दिस इंप्लाइज एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 आना चाहिए। या फिर दूसरा तरीके से आप कह सकते हैं सर डिफरेंट इनपुट के लिए सर डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम लोग 1, 1 कहेंगे। ऐसे आप पहले आप देख लो, यहाँ से मैं यदि पुट करूँ एफ एक्स 1 तो एक्स 1 का पावर 4 इक्वल टू सर एक्स 2 का पावर क्या होगा 4, तो आप यहाँ से एक्स 1 का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स 2 आएगा, तो ये फंक्शन सर 1, 1 नहीं हुआ, मतलब एफ इज नॉट 1, 1 मेनी 1 हो जाएगा। आप देखो मेनी 1 कैसे, देखो x का वैल्यू आप 2 रखिए, तो x का वैल्यू यदि 2 रखेंगे ना तो 2 का, या फिर x का वैल्यू आप 1 रख दो आसान है, x का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 तो प्लस 1 आ गया,
एक्स का वैल्यू माइनस वन रखिए, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन रखे तो माइनस वन का पावर फोर तो वो भी प्लस वन आ जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू सर आप माइनस वन रख रहे हैं तो प्लस वन रख रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है उस फंक्शंस में वन के पावर फोर, तो इसका वैल्यू आपको सर वन मिल रहा। और एफ एक्स के प्लेस में आप माइनस वन रख रहे हैं तो माइनस वन के पावर फोर ये वैल्यू वन दे रहा है। मतलब सर डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है नहीं, तो ये सर वन वन फंक्शन नहीं हुआ, ये सर मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो पहला सर कंडीशन है, उसके बाद सर वन टू हम लोग चेक कर लेते हैं। वन टू के लिए क्या होना चाहिए सर कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते तो एफ एक्स का वैल्यू होगा सर एक्स टू पावर फोर इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो वाई के पावर वन बाई फोर, वाई टू पावर कितना होगा वन बाई फोर, और एक्स सर वाई जो यहाँ होगा सर वो रियल नंबर है, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आप कुछ रखते हैं, मान लो वाई का वैल्यू सर आप माइनस वन रख रहे हैं तो एक्स का वैल्यू माइनस वन टू द पावर वन बाई फोर, तो ये तो रियल नंबर नहीं है, आर नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई का वैल्यू आप माइनस टू रख सकते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस टू के पावर वन बाई फोर, वन बाई फोर ये भी सर रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब सर कि आउटपुट का इनपुट नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि आउटपुट मान लें सर हम वाई रियल नंबर, तो एक्स भी आपको रियल नंबर मिलना चाहिए, तो रियल नंबर नहीं सर, तो ये वन टू भी नहीं है। तो इसका मतलब सर कि जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो एफ नाइदर वन वन नॉर वन टू, तो डी नंबर ऑफ ऑप्शन देखना कि एफ इज इन मतलब एफ इज नॉट वन वन मतलब वन टू, ठीक ना, तो एफ इज नाइदर वन 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 नॉर वन टू, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए ठीक ना। चलिए तो ये आपका इसका ऑप्शन देखना डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नहीं थर्ड था, इसके नंबर हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं फोर नंबर। फोर नंबर में फंक्शंस का ही क्वेश्चन है, एफ डिफाइन किया रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। इसमें भी सेम आपको कह रहा है सर कि ये वन 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 टू होगा या फिर मेनी वन है ना, एफ इज नॉट वन वन बट वन टू, एफ इज नादर वन वन नॉट वन टू है ना। तो देख लो इसमें वन वन चेक करते हैं हम लोग, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दिस सिंप्लाइज मिलना चाहिए हम लोग एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक। अब देखिए यदि मैं यहां रख दूं तो थ्री एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा सर थ्री एक्स टू, थ्री थ्री कैंसिल होगा, दिस सिंप्लाइज सर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, मतलब डिफरेंट इनपुट के लिए सर डिफरेंट आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो मैं सर कह सकता हूँ कि एफ इज वन वन, मतलब एफ वन वन होगी ठीक ना। दूसरा सर वन टू यदि मैं चेक करूँ वन टू, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ वाई, दिस सिंपल एफ एक्स का वैल्यू थ्री, थ्री एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा सर थ्री वाई, वाई बाई थ्री, और एक्स वाई का रियल नंबर है। तो देखो वाई कोई भी सर आप रियल नंबर आप रखेंगे तो एक्स भी रियल होगा है ना, तो हर एक मतलब ये सारा सर आप वाई का वैल्यू रियल रखें तो एक्स भी रियल आएगा, मतलब सर ये फंक्शन ये सारा मतलब सारा आउटपुट के लिए सर इनपुट मिल जाएगा हमको ना, रियल नंबर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर कि एफ इज वन टू, एफ इज वन टू, इसका मतलब ऑप्शन यदि आप देखिएगा तो एफ इज वन वन एंड वन टू, मतलब दोनों हो जाएगा एफ इज वन वन एंड वन टू, तो ये ऑप्शन आप देख लिया ए नंबर। तो फोर का आपका जो ऑप्शन आएगा फोर का ए नंबर, वन वन भी होगा और वन टू भी होगा, क्लियर आप समझ गए इसको भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं फाइव नंबर। फाइव नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ये कह रहा सर कि इफ एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बी गिवेन गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एक्स क्यू टू द पावर वन बाई थ्री, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा वो निकालना।
एफ ऑफ एक्स एफ एक्स आपको निकालना, जैसे जी ऑफ एफ एक्स जैसे रहता है ना उसी टाइप से आपको निकालना, बहुत ही आसान है। देखो सॉल्यूशंस में आप इसका वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, एफ एक्स का वैल्यू देखो आपको दिया हो, एफ एक्स इक्वल टू 3 - x³ का पावर आपके पास 1/3। एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना, इसको आप एफ एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो बड़ा ही आसान है, एफ एफ एक्स लिखेंगे और देखो एफ एक्स के प्लेस में आप ये वैल्यू पुट करना, एफ एफ एक्स के प्लेस में क्या आपके पास है सर 3 - x³ का पावर 1/3। बहुत ही आसान है। अब ये जो आप सोचो सर x के प्लेस में आ गया, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा उसके प्लेस में आपको रखना है 3 - x³ का पावर 1/3। जैसे आप समझो एफ एक्स का पावर आप मान ले सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, और कोई बोलता सर f आप थीटा फाइंड करो, थीटा के प्लेस में आप कुछ भी रखते, तो जहाँ जहाँ सर आपको x दिखता उसके प्लेस में थीटा रखिए तो थीटा क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से ये किस में पुट करना है, एफ एक्स में पुट करना, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा उसके प्लेस में पुट करना सर 3 - x³ का पावर 1/3। ठीक है, तो देखो आप रखो इसमें, यहाँ पहले तो सर 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस x के प्लेस में ये रखेंगे तो x के प्लेस में रखिएगा तो होगा सर 3 - x³ का पावर 1/3। ये किसके प्लेस में रखा है पता है, ये सर आपका अभी x के प्लेस में हम लोग रखें और इसका पावर 3 है तो हम सर इसका पावर 3 दें, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स के प्लेस में 3 - x³ का पावर 1/3 ये रख दिए, क्यूब था तो सर इसका पावर 3, और पावर पूरा का पावर देखो 1/3 है तो पूरा का पावर हम तो दे देंगे सर 1/3, क्योंकि एक्स का वैल्यू रखें तो पूरा का पावर 1/3 दिख रहा था, पावर कितना लिख दें 1/3। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये पावर कैंसिल हो जाएगा तो 3 - -3 - x³ और इसका पावर सर 1/3 इक्वल टू आप 3 - अंदर माइनस कर देते तो -3 + x³ इसका पावर 1/3, -3 + 3 कैंसिल होगा तो एक्स क्यू का पावर होगा सर 1/3, कैंसिल होगा क्या 3 कैंसिल हो जाएगा मतलब पावर में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा x। ऑप्शन देख लीजिएगा एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर देखिएगा ऑप्शन x है। ठीक ना, तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, कुछ नहीं किए, एफ ऑफ एफ एक्स को एफ एफ एक्स लिखें, एफ एक्स का वैल्यू रख दिया, क्लियर है एफ एक्स का वैल्यू, और ये वाला वैल्यू फिर से हम लोग एक्स के प्लेस में पुट करें, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखता है उसके प्लेस में रख दिए तो 3 - x के प्लेस में रखिए तो, और इसका क्यूब था तो इसका हम लोग क्यूब लिख दिया ना, एक्स के प्लेस में पूरा रखें क्यूब था क्यूब लिख दिए, और इसका पावर सर 1/3 था तो पूरा पावर 1/3। फिर अंदर में हम लोग सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया एक्स आ गया, क्लियर है। 6 नंबर बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन हम देखे ही नहीं, आपसे कह रहा सर एफ एक्स का वैल्यू है सर x² + x + 7, आपसे f0 फाइंड करने बोल रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान है, f0 आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है उसके प्लेस में 0 पुट कर देंगे, नहीं तो f0 यदि पुट करते तो यहाँ होगा सर x के प्लस 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7, डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं, f0 का जो वैल्यू होगा 7। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। इसके बाद 6 नंबर हो गया, 7 नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया हो, बोला द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2। आसान है, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू वो आप देखना, 45 डिग्री का वैल्यू होता है सर, तो कॉस हम लोग लिख सकते हैं सर इसको π/4, रेडियन में लिखेंगे तो कॉस π/4, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स जानते हैं, एक्स के प्लेस में लिख देना π/4, ये हो गया ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ये आंसर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका। इसके बाद 8 नंबर और ही आसान है, बोलो सर द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा, आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग π/2 लिखते थे सर, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। तो देखो तो आप लिख सकते हैं सर कॉस, और देखिए इसको बोलिए सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों सर सेम है ना, तो आप इसको लिख सकते हो π/2, तो कॉस π/2 मतलब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन है। 8 नंबर तो क्वेश्चन आप समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर।
नाइन नंबर आपसे कह रहा है सर इसका वैल्यू आप क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। देखिए हम लोग जानते हैं सर कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहता सर इसका वैल्यू एक्स लिखते, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, तो सर एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो और जीरो से बड़ा, पाई है पाई से छोटा, मतलब जीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल वाली रेंज। तो आप यदि इसको ध्यान से देखिएगा तो पाई बाई सिक्स का मतलब होगा सर 30 डिग्री, और 30 को आप 7 से मल्टीप्लाई किया ना तो 210 डिग्री, मतलब सर 210 डिग्री, 210 इसके बीच में नहीं होगा। तो हम लोग कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू, मतलब इसके प्लेस में 7π/6 नहीं लिखेंगे, ठीक ना, उसको सर इस रेंज में हम उसको लाने का कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे लाएंगे, देखो ध्यान समझना, कॉस इनवर्स इसको कॉस लिख सकते हैं 2π-5/6, आप एलसीएम ले लो तो 6 एलसीएम होगा, तो यहाँ हो गया 12-5, तो 12-5 करेंगे तो 7π/6 है, मतलब सेम आ रहा है। आप देखिए यहाँ लिखेंगे सर कॉस इनवर्स, आप याद कीजिए सर कॉस 2π-θ, ट्रिगोमेट्री इशू चेंज नहीं होता, तो कॉस थीटा हो जाएगा सर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं पॉजिटिव, तो कॉस यहाँ होगा सर कॉस 5π/6। आप देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लिखें और इसको देख लें सर इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 5/6 अभी बोले थे 30 डिग्री, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो 150 डिग्री, तो इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब इसका बीच में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ सर 5π/6 आंसर देख लिया, तो ये आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन में, ठीक ना। तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं रहेगा, तो सर उसको उस मतलब उसके रेंज में लाएंगे, उसके बाद सर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट आप देखिएगा तो ऑप्शन में ये भी रहता है, तो ऐसा गलती नहीं करना है ना, इसमें उस टाइप से गलती आप नहीं कीजिएगा। अच्छा इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसका वैल्यू निकालना, टेन इनवर्स √3 - cot inverse - √3, इसका वैल्यू क्या हुआ हमसे पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, टैन इनवर्स √3, टैन में कितना डिग्री का वैल्यू, तो 5/3 60 डिग्री, माइनस इसको याद रखना एक तो प्रॉपर्टी आपको बताए थे कॉट इनवर्स यदि -x रहता है तो इसको लिखते हैं सर π-cot inverse x, और यही प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स -x में भी होता है, कॉस इनवर्स -x रहेगा तो π-cos inverse x लिखेंगे, sec इनवर्स -x रहेगा तो π-sec inverse x लिखें, पार्ट की बच गया सर साइन इनवर्स, तो यही चीज साइन इनवर्स में आपका रहता है, साइन इनवर्स -x रहता है या फिर cosec इनवर्स -x रहता है या tan इनवर्स -x रहता, तो माइनस लिखते हैं सर साइन इनवर्स x, माइनस कितना साइन इनवर्स x, यस वही tan इनवर्स -x है तो माइनस हम लोग बाहर करते हैं, लेकिन cot इनवर्स -x में sec इनवर्स -x और cos इनवर्स -x में, तो माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा सर कि हम लिख सकते हैं π-cot inverse √3, ठीक है यही ब्रैकेट देते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, ये तो हो गया π/3 - π-cot inverse, कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू √3, तो π/6 30 डिग्री का ना, तो आप लिख सकते सर π/3 ये माइनस π-π/6 इक्वल टू π/3, माइनस को अंदर कर दो माइनस होगा पाई सर और प्लस π/6। देखो यदि ध्यान से आप ऑब्जर्व आप करेंगे इसको, तो देखो ये दोनों के यदि सिंप्लीफाई, ये जो सर 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, दोनों के यदि आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 90 डिग्री आएगा, तो ये होगा सर π/2 - π, और इसको सिंप्लीफाई कर दिएगा तो -π/2 आएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, ये इसका ऑप्शन क्या बी नंबर है ना। तो हम लोग कभी कभी सर इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टी को अप्लाई करवाता है, तो प्रॉपर्टी आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आगे का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, थैंक यू।